कन्या राशि नवंबर 2021। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी दर्शक यह जान लें कि यह जो राशिफल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आपका नाम जो पॉपुलर है यानी प्रचलित है, उसके अनुसार इस राशिफल को आप देखिए। तो यदि आपकी राशि कन्या है तो यह माह आपका बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत होगा। सभी प्रकार के सुख समृद्धि लेकर के यह माह आपके लिए आएगा। हालांकि कुछ माइनस पॉइंट भी रहेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अच्छा जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह क्या रहेगा। तो शुरुआत में बुध महाराज जो कि आपके लग्नेश हैं, 21 नवंबर तक यानी 20 नवंबर 2021 तक ये आपके धन भाव पे विचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप पूरा माह धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो वह भी सलट जाएगा। साथ ही साथ परिवार का भी कहीं ना कहीं सहयोग आपको मिलता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि धन के विषय में, पैतृक संपत्ति के विषय में आप लकी रहोगे। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। बाकी पूरा माह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई बड़ी परेशानी होती नज़र नहीं आ रही है। जो भी समस्या होगी वह आपके वाणी के चलते हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। बात करें अगर आमदनी की, तो आमदनी आपकी प्रचुर मात्रा में होती रहेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो भी शानदार समय पूरा माह रहेगा नवंबर 2021। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय की चाल अच्छी रहेगी। बात करें विद्यार्थियों की, तो यदि आप विद्यार्थी हैं और आपकी राशि कन्या है तो भी आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा समय की चाल उचित नहीं है, शुरुआत में लगभग 10 दिन। 10 दिन के बाद प्रेम संबंधों में भी सुधार होता नज़र आएगा, धीरे धीरे समय की चाल अच्छी होने लगेगी। जो व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, कहीं जाना आना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त समय है, वो यात्राएं कर सकते हैं। यात्रा से लाभ मिलना, देश विदेश से धन आना, इस प्रकार के योग पूरा माह बने रहेंगे। यानी कि नौकरी में, व्यापार में, सभी में तरक्की होना, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ जाना, इस तरीके के योग बने हुए हैं। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको भी इस माह भारी लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। आयु के विषय में भी आप लकी रहोगे, साथ ही स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता इस माह नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा जो लकी राशि है वह नवंबर 2021 में कन्या रहेगी। थोड़ा एक चीज़ में ही आप दिक्कत महसूस करोगे, वह यह रहेगा कि 20-22 तारीख के बाद जो है थोड़ा बहुत जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बाकी यदि आप गुरु के मंत्रों का जप करते हैं या गुरुवार का व्रत रखती हैं या रखते हैं, तो आपको उसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में आप बाजी मार ले जाएंगे। कहीं पर यदि निवेश करना चाहते हैं तो शानदार समय है। बृहस्पतिवार और इतवार को छोड़ करके, यानी गुरुवार और रविवार को छोड़ करके, कहीं पर भी आप निवेश करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बाकी समय की चाल आपके साथ है, इसका आप सदुपयोग करिए। कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।